YouTube चैनल फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे उसके थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि ये चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे हम 1.1 एक्सरसाइज के वहाँ पर पहुँचने से पहले हमें पूरा इंट्रोडक्शन जानना होगा, क्योंकि उसी जो इंट्रोडक्शन है उसी में सारे आंसर्स छुपे होते हैं, बस हमें उसे अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो वही हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है 1.2 और 1.1 और भी सारी, तो ये हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन जान लें कि इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में बताया गया है, तो हम एक नंबर लाइन आपको बना के बता देते हैं। देखिए स्केल नहीं है ना मेरे पास, इसलिए सीधी सी लाइन नहीं बन पा रही है, बट कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी होगा। देखिए नंबर लाइन जो है कि नंबर्स जो है हमारे वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, जहाँ तक कि हम कभी गिन नहीं सकते, जिसे हम अनगिनत कहते हैं। तो देखिए बीच में हमारा होता है सेंटर में 0, और उसके बाद इस तरफ होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स और इधर हमारे निगेटिव नंबर्स, +1 +2 +3 और इधर -1 -2 -3। अब ये इन्फिनिटी तक जाते हैं जहाँ तक हम कभी भी गिन नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बाद अब हम कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं और भी उनके टाइप्स के बारे में। देखिए अगर हम अपने बुक की बात करें, देखिए जो क्लास 9th की हमारी बुक है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक नंबर लाइन है, एक गर्ल ऐसे सोकी हुई है। तो ये गर्ल किस पे सोकी हुई है, ये उस पे रन कर रही है, मतलब चल रही है, वो वहाँ पे दौड़ नहीं रही है, चल रही है। और उसमें लिखा है कि उसकी आंखों से सिर्फ नंबर्स नंबर्स और नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो नंबर्स हैं हमारे वो इन्फिनिटी तक हैं, हम उसे कभी भी गिन नहीं सकते। ओके, सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पूरा चार्ट बना दिए हैं हमने, और इसी चार्ट के वाइज से हम आपको समझाएंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर।